देखिए देखिए, हमको पता है कि आप हमसे सीनियर हैं, कानून हमसे ज्यादा जानती हैं, लेकिन मैडम इतना कानून हम भी जानते हैं कि आप हमसे जबरदस्ती कोई भी बयान देने के लिए ऐसे मजबूर नहीं कर सकते। कर सकते हैं, वर्दी में हो इसलिए तुम पर हाथ नहीं उठा रहे हैं। आशा करते हैं कि हमारा सहयोग करोगे और यहाँ से कट जाओगे। इतना भी जानते हैं हम कि बुरी संगत का असर जरूर है, लेकिन इंसान तुम बुरे नहीं हो। और एक बात बता दे तुम्हारी जानकारी के लिए कि ये सब कुछ हम तुम्हारी बहन के लिए कर रहे हैं, तुम्हारी दीदी के लिए। हमारी दीदी के लिए? जी। अब सुनो, हुआ ऐसा है कि ये हमारे पति हो ही नहीं सकते। ये कोई बहरूपिया है जो हमारे पति का रूप लेकर हमारे ही घर में घुसकर बैठा हुआ है। इंटेलिजेंस की पक्की रिपोर्ट है कि हमारे शहर में एक टेररिस्ट घुस आया है, अपना रंग रूप बदल के, अपना हुलिया बदल के, और यहाँ के लोगों में मिक्सअप हो गया है। एक बहुत बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी प्लान कर रहा है। मैडम सर, अगर हम कहें जिस अनजान टेररिस्ट का बात कर रही हैं, उसका संदेशा लेके बाहर बुलबुल की वाइफ आई है तो? समझ में आया? कहा दीदी ने इतना बड़ा बात हमसे छुपाया, अपने चेपू से। तो क्या हमसे छुपाती? अरे चुप रहो यार। रिलैक्स। देखो, हम ही ने उन्हें मना किया था किसी को कुछ भी बताने से, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि वक्त से पहले बुलबुल पांडे को शक हो जाए कि हमने उस पर नजर रखी हुई है। चंपक, बात को समझो। हमारी मदद करके तुम सिर्फ अपनी जीजी की नहीं, बहुत से लोगों की जान बचाओगे, और तुम्हें अपनी वर्दी का हक अदा करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। चंपक, हम समझ गए मैडम। आप पूछिए हमसे क्या जानना चाहते हैं, हम सब बताएंगे। नो लाई डिटेक्टेड, ये सच बोल रहा है। रिलैक्स। तो क्या है बुलबुल पांडे की दिनचर्या, क्या है, क्या है उसका रूटीन सुबह से लेकर रात तक? अरे मैडम, क्या रहेगा उस घटिया आदमी का डेली रूटीन। अरे सुबह उठता है, बाथरूम में जाता है, बाथरूम में जाके फिर बस 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 बस, बाथरूम में क्या करता है सबको पता है। आगे आगे आगे। अरे आगे क्या, आगे बाथरूम से निकलता है, बालकनी में जाता है और भींगा कच्चा सुखाता है। अरे फॉरवर्ड 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 का, फिर उसके बाद दो गिलास दूध पीता है उच्चो चुंदर छुहारे के साथ। अरे ओ स्लो मोशन के सुलोचन, तुम्हारे जीजा का बायोपिक जिंदगी आत्मकथा नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पर। तुम्हारे जीजा सुबह में घर से लेकर थाना जाने तक और थाना से घर वापस आने तक बीच में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनका डेली रूटीन पूछ रही है मैडम सर, वही बताओ ना यार। रिलैक्स। अरे तुम स्पा बना है का आज? रिलैक्स। देखो, हमें कोई ऐसा बात जानना है बुलबुल पांडे के बारे में जो तुमको खटकता हो, तुमको अजीब लग रहा हो। मैडम, ऐसे तो पूरे दिन हम उसके ऊपर बेताल बन के सवार रहते हैं, काहे कि शाम को हमको दीदी को रिपोर्ट देना रहता है ना उसके पूरे खाए पिए का। लेकिन हाँ मैडम, आजकल वो 3 से 5 के बीच गायब रहता है, और अपना जो फोन है ना वो भी थाने के दराज में रख के जाता है। तो तुमने पता लगाने की कोशिश नहीं की? ए, मैडम बहुत पता करने की कोशिश की, उसका पीछा भी किया, लेकिन वो हमको चकमा दे के निकल जाता है। छुछुंदर। ओ, रिलैक्स। बिल्लू चुप रहो। रिलैक्स। देखो एक काम करो, तुम नजर रखो बुलबुल पांडे पे, देखो अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है या ऐसा कुछ होता है जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है तो तुरंत हमें इत्तला करो। जी मैडम। एक और बात चंपक, तुम हमारी मदद करके बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद। रिलैक्स। बिल्लू। या मैडम सर। पता लगाओ कि 3 से 5 के बीच में बुलबुल कहाँ गायब रहता है। काम भी करो कभी थोड़ा। रिलैक्स रिलैक्स रे, जा जा। चीता, इकबाल की तरफ से कोई अपडेट? का नजर रख रही हो हम पे?
आखिर पकड़ लिए ना आप, हम जब से आए हमारा नजर बस आप पे, क्या सुंदर चेहरा है। हमको भी लग रहा है कि पहले तुमको कहीं देखा है। जा। हाय क्या कह दिया, मतलब दोनों तरफ सेम चल रहा है ना, लेकिन क्या करें, हमको हमारा हैसियत पता है, हम चाहे भी तो कुछ नहीं हो सकता है। अब इतना बड़ा बदतमीज अफसर है, क्या बक रही हो, सॉरी सॉरी, मतलब इतना बड़ा अफसर है और हमारा क्या औकात, हमारा प्रेम कहानी अधूरा रह जाएगा, कहीं आपकी बीवी को पता चल गया तो जिंदा दीवार में चुनवा देंगी आपको, हम तो हमारा किस्मत से रोना। अरे घबरा काहे रहे हैं, घबराइए नहीं, हम बिल्कुल भी नाराज नहीं हैं, उल्टा हम तो बड़े ही खुश हैं कि हमारे पति में अब वो बात है कि कोई जवान खूबसूरत लड़की हमारे पति पर लट्टू हो सकती है। हमारे लिए तो घर का अदरक लहसुन बराबर ही हुआ ना। नाना पल्लवी जी, वो कहावत यूं है कि घर का मुर्गी दाल बराबर। अरे वो तो है, लेकिन आप तो अदरक जैसे हैं ना, देखिए हर जगह से निकल रहा है। इसलिए डरिएगा नहीं, जो कर रहे थे वो करते रहिएगा, आप जारी रखिए, ठीक है। कहा कह रहे ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छा काम करो इकबाल, काम करते रहो, हम बाद में बात करेंगे। करिश्मा सिंह जी, जी धन्यवाद। ओके, तो इकबाल का ऐसा कहना है कि इस बात की बहुत पॉसिबिलिटी है कि नकली बुलबुल पांडे ने असली बुलबुल पांडे को कहीं पर कैद करके रखा हुआ है, क्योंकि नकली बुलबुल पांडे घर के बारे में सब कुछ जानता है। वो इन्फॉर्मेशन वो कहाँ से ले रहा है, असली बुलबुल पांडे से, उसको घर की चाबियां, लॉकर के कॉम्बिनेशन सब कुछ पता है, और तो और घर के गमले में जो चाकू मिला था हमें वो भी गायब है, इकबाल ने खुद जाकर चेक किया है। इसके तो दो ही मतलब हो सकते हैं, पहला या तो इस नकली बुलबुल पांडे को पता चल गया कि हमने उस पे नजर रखा हुआ है, इसलिए उसने वहां से चाकू गायब कर दिया, दूसरा ये जो नकली बुलबुल पांडे है इसको जो कुछ भी करना है वो आज ही करेगा। आपकी दोनों बातें सही है, पर हमें लगता है दूसरी पॉसिबिलिटी में ज्यादा दम है। एक मिनट, बिल्लू कहाँ है, हमने उसे भेजा था ना बुलबुल पर नजर रखने के लिए। आ गया ही गया, जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय, आई एम बिल्लू द स्पाई। ये फालतू का बकैती करने के लिए नहीं बुलाया तुमको यहाँ पे, जिस काम के लिए गए थे उसका जवाब दो। इंसल्ट मैं नहीं बोलूंगा। बोलो ना, बोलो ना। अच्छा हमें बताओ, आप सुनेंगी तो यकीन नहीं करेंगी, ये जो बुलबुल पांडे है रोज 3 से लेकर 5 के बीच में कोई बाबा पाप नाशक के यहाँ सत्संग में जाता है। क्या? हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है। या 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 नहीं नहीं, ये दिस इज नॉट पॉसिबल, असली बुलबुल पांडे हो या नकली हो किसी सत्संग में तो नहीं जाएगा। पता लगाओ इस बाबा के सत्संग के बारे में, पता लगाओ और सारी इन्फॉर्मेशन हमें शाम तक चाहिए। ओके, और आई एम आउट, लेकिन इंसल्ट नहीं चलेगा, कटो। ओके मैडम, सर डीएसपी सर के ऑफिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये जो गुप्तचर है ये राजाबाद में कहीं से कोऑर्डिनेट कर रहा है। राजाबाद से? हमें समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, अगर गुप्तचर राजाबाद में है तो फिर नकली बुलबुल पांडे यहाँ पर क्यों एस्टेब्लिश्ड है, क्या कनेक्शन है इन बातों में? जय हिंद मैडम। जय हिंद चंपक जी, बताइए। मैडम कल हमारा जीजा रहेजाबाद के लिए निकल रहा है और उसने हमको सख्त हिदायत दी है कि ये बात किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी खबर है, थैंक यू, आप जा सकते हैं। जय हिंद मैडम। जय हिंद। करिश्मा सिंह, ये एक बहुत अच्छा मौका है बुलबुल पांडे का पर्दाफाश करने का। एक काम कीजिए, आप और मीरा बुलबुल पांडे के पीछे जाइए राजाबाद, देखिए क्या पता चलता है। माफ कीजिएगा मैडम सर, इस काम के लिए हम अकेले सक्षम है, हमें इस टीम के डब्बे को साथ में ले जाने का जरूरत नहीं है। जरूरत है करिश्मा सिंह, प्लीज कोऑपरेट कीजिए, आप दोनों को साथ में काम करने की आदत डालनी होगी। हमें लगता है कि अगर आप अपने आपसी पसंद नापसंद को अगर साइड में रखेंगे तो शायद एक दूसरे से कुछ सीख लें, सो प्लीज हम सबके लिए ये बेहतर है। सहमत तो नहीं है लेकिन अब आपका ऑर्डर है, टाल नहीं सकते, क्या करें। ठीक है, ले जाते हैं टीम के डब्बे को साथ में। थैंक यू। We'll be right back.
क्या पकैती कर रहे हो उधर? अमाओ टीन के डब्बे, तुम तो जीरो वॉल्यूम में भी सब सुन लेती हो ना, तो जरा पता करके बताओ दोनों क्या बकैती कर रहे हैं। बिल्कुल, सुन भी सकती हूँ सुना भी सकती हूँ। मेरा बहू मुझसे कितना प्यार करता है। उतना जितना कि आसमान में तारे। तुम कितना प्यार करते हो मुझसे? जितना आसमान में उड़ते परिंदे हैं ना, उतना प्यार करता हूँ। ये कौन बतिया रहा है? ये बाबू शाबू कौन है? सॉरी, क्रॉस कनेक्शन। इसीलिए हमने मैडम सर को कहा था हमें टीन का डब्बा साथ में नहीं चाहिए, किसी काम का नहीं है ये, लेकिन फिर भी तुमको हमें थमा दिया और हम मना नहीं कर पाए। पकड़ो इसको। जय हिंद सर। अरे करिश्मा जी, जय हिंद। बुलबुल जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं आप? भैया ये सवाल तो हम भी आपसे कर सकते हैं कि आप यहाँ क्या कर रही है? अरे हम तो वो रूटीन बीट पे आए थे, फिर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का विवाद हो गया तो वो पता करने आए थे कि सब ठीक है कि नहीं है, तो फिर आपको देखे तो हमने कहा मिल ले। हम भी एक आधा प्रॉपर्टी के सिलसिले में ही आए थे, कहा कि नौकरी में अब मजा नहीं रहा है तो सोचा था यहाँ पे एक तो उपजाऊ जमीन ले लें और एक आध टुकड़ा उसमें से और बुढ़ापे में फिर खेती बाड़ी करेंगे बस। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। ना मतलब हमें लगा नहीं था कि आप नौकरी छोड़ने का कभी बात करेंगे, हमें तो लगा आपका जो ये नौकरी है ये आपके लिए सोने का खान है। सही कह रही है आप, पर क्या है कि मन का काम हो, कब का सोच ले कौनो भरोसा नहीं है। ये भी है। हाँ ठीक है करिश्मा जी, ड्यूटी पे जा रहा है, लेट हो रहा है, कहा जब तक है ड्यूटी निभाना तो पड़ेगा, है कि नहीं? बिल्कुल। मिलता है जी। मीरा, मीरा जी क्या हुआ? बंद करो इसे। हाँ करिश्मा सिंह कहिए। जय हिंद मैडम साहब। जय। मैडम सर, मीरा ने भविष्य में होने वाले अपराध का पूर्वानुमान किया है फिर से, और इस बार तो बहुत बड़ा बवाल देखा है। बुलबुल हमारे थाने में है और बुलबुल को किसी ने गोली मार दिया है। क्या? और साथ में उनका वाइफ पल्लवी जी भी है, ऐसा उसने देखा है। ये क्या कह रही हैं आप करिश्मा सिंह, ये कैसे हो सकता है? जब बुलबुल पांडे आपके सामने राजाबाद में है तो यहाँ हमारे थाने में उस पर गोली कैसे चल सकती है? एक मिनट, ये जरूर हो सकता है कि मीरा ने अपने प्रेडिक्शन में जिस बुलबुल पांडे पर गोली चलते हुए देखा है वो बहरूपिया हो। बहरूपिया पर यहाँ गोली चलने वाली हो, लेकिन कौन करेगा ऐसा, स्पेशली तब जब उसकी बीवी साथ में है। होना ही था ना मैडम सर, जब भविष्य ऐसी मशीनों में देखा जाएगा तो फिर यही होगा। क्या गारंटी है मैडम सर कि मीरा ने जो कुछ भी देखा है वो एकदम सही है? भविष्य और वर्तमान की तार में उलझ कर मीरा गलत भी तो हो सकती है ना। हाँ हम मानते हैं मशीन है, अपग्रेड होकर आई है, लेकिन हो सकता है कि इनके जो फंक्शन है वो अच्छे से सक्रिय नहीं हुए हो, कुछ भी हो सकता ना मैडम सर, ये मीरा गलत भी तो हो सकती है। करिश्मा सिंह हमारी बात सुनिए, हो सकता है कि आप जो कह रही हैं वो सच हो, लेकिन फिलहाल हमारे पास इन बातों के लिए वक्त नहीं है। फिलहाल मीरा से जितनी भी मदद मिल सकती है उतनी मदद लीजिए और हमें अपडेट कीजिए, क्लियर? जी, जय हिंद। चीता बिल्लू। हे मैडम सर। जी मैडम सर। वो सत्संग का नाम क्या है? कीटनाशक, पापनाशक, जो भी नाम है, गाड़ी निकालो, हमें वहां जाना है तुरंत। जी मैडम सर। 1 बजे, हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं सच्चाई का पता लगाने में। भाषा को सौम्य रखो, सॉफ्ट स्पोकन रहो, तेरा काम हो जाएगा। बाबा ब्लेस यू। बाबा ब्लेस? मैडम सर, बाबा अंग्रेजी बोल रहा है, एजुकेटेड बाबा। बोलो बच्चा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? बाबा, 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 आई वांट माय लाइफ
सबसे बड़ी इच्छा क्या होगी मेरी बाबा? बाल विवाह। वो तो बचपन में होता है ना बाबा। बाल होंगे तो होगा ना विवाह। बाबा मेरे बाल बच्चे होंगे। विवाह होगा तो बच्चे होंगे ना। बाबा मेरा कुछ नहीं होगा बाबा। जरूर होगा, बाबा किस लिए है। बाबा ये ऊपर क्या किया था? वो हमारा स्टाइल था। जादू? ए बाप रे। जा बच्चा, इस चाकू को अपने घर के दक्षिण दिशा में जाके एक गमले में गाड़ दे। बाल ही बाल हो गए, बालों से माला माल होगा तू बच्चा। बाबा दक्षिण दिशा में न गाड़ते हुए उत्तर दिशा में गाड़ दिया तो छाती पे बाल आएंगे बच्चा। और बच्चा तू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? बाबा 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 इसको कुछ नहीं चाहिए। बाल तो है, कितने घने बाल है, बाल बच्चे भी हो जाएंगे आफ्टर विवाह। और विवाह के लिए सुंदर लड़की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस लड़की टिकाऊ होनी चाहिए। जो भी लड़की इसके जीवन में आती है 3-4 महीने गायब हो जाती है ना? और कुछ बोल जो बोलना चाहते हैं? सब तो बोल दिया। हमारा मन है ये, इसका नाम हमारा मन है। कोई बात नहीं बाबा, बताइए। अगले ट्यूसडे रेड साड़ी में तेरी होने वाली लाइफ पार्टनर तेरे सामने आएगी। इतनी जल्दी इसकी इच्छा पूर्ण होगी बाबा? अवश्य होगी, अवश्य होगी। थैंक यू बाबा, थैंक यू। यस माय चाइल्ड, यू बोल, तुझे क्या चाहिए? प्रमोशन। पति पति के लिए प्रमोशन। हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। उसके लिए व्रत फॉर 4 वीक्स एंड यू विल बी हैप्पी माय चाइल्ड। जो आदमी दिन में ठूस ठूस कर खाता है वो आदमी व्रत कैसे रख सकता है भला? आज ना कुछ खाना है और ना कुछ पीना है। बाबा की जय हो, बाबा की विंद हो, बाबा की जय हो। एनीथिंग एल्स माय चिल्ड्रन? यस यस बाबा, आई एल्स थिंक। बाबा जिनको मुझे पैसे देने हैं और जिनको मुझसे पैसे लेने हैं उनकी याददाश्त तत्काल में गायब हो सकती है क्या बाबा? हमारी दक्षिण आई इनसे? आई ए बाबा, गेट आउट। बाबा आपने बोला भी। ए बाबा ने दिया धोखा, आंखों में धूल झोंका। रैप कर दो, गए बाबा। खोला, खुल खुल मेरी। मैडम सर फिर तो मामला एकदम साफ हो गया है। साबित हो गया है कि बुलबुल पांडे की वाइफ जो बुलबुल पे शक कर रही थी वो बेबुनियाद था। जो इंसान उनके साथ रह रहा था वो बुलबुल पांडे ही था, और जिन वजह से बुलबुल पांडे की वाइफ को बुलबुल पे शक था वो सिर्फ और सिर्फ उस बाबा के वजह से था। एग्जैक्टली एकादशी का व्रत रखना, ड्रिंक्स छोड़ देना, घर में पौधा लेकर आना, उस गमले के अंदर चाकू का मिलना, ये सारे सिर्फ उपाय थे जो उस बाबा के चक्कर में आके बुलबुल पांडे फॉलो कर रहा था किसी अपने डिजायर को फॉलो करने के लिए। हमें समझ नहीं आता करिश्मा सिंह कि बुलबुल पांडे जैसे पढ़े लिखे लोग भी इस तरह के नकली बाबाओं के चक्कर में कैसे आ जाते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। सच में मैडम सर, ये बुलबुल पांडे जैसे लोग ही है जिनकी वजह से नकली काला धंधा करने वाले बाबा का जो धंधा है वो फल फूल रहा है। जो धर्म के नाम पे लोगों की तकलीफें, उनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हैं, धर्म के नाम पे उनका पथ भ्रष्ट करते हैं। बहुत जरूरत है मैडम सर लोगों को ये बताना कि ये जो नकली काला धंधा करने वाले बाबा होते हैं ये इनका जालसाजी होता है, ये सिर्फ अपना जेब भरते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही करिश्मा सिंह, हम सबको भी इस तरह की नकली बातों से अलर्ट रहना चाहिए। और अब वक्त आ गया है कि हम लोगों में भी ऐसे लोगों से बचकर रहने की अपील करें। नहीं मैडम सर, बाकी सब तो ठीक है लेकिन बुलबुल पांडे का अच्छा पत्नी का इच्छा हमारे समझ में नहीं आया। नहीं वो तो पहले से शादीशुदा है ना, उसको अच्छा पत्नी क्यों चाहिए? कैसे रे तुमको पुलिस में भर्ती किया? वो दूसरे शादी के जुगाड़ में। दूसरी शादी के लिए? दूसरा शादी, तीसरा शादी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सब कैसे दूर से भाप जाते हो तुम, तुरंत पकड़ लेते हो है ना?
मेरी माँ यहाँ नहीं है इसलिए बोल रहे हो ना। हो गया बकैती, हो गया, चुप रहो ना। मैडम सर अब क्या करना है? पल्लवी से बात करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वो इतनी आसानी से कन्विंस होने वाली नहीं। एक काम करते हैं, बुलबुल पांडे से बात करते हैं, उसे समझाते हैं कि उसकी मैरिड लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं और उसकी बीवी उसके बारे में क्या सोच रही है। हो सकता है उसे बात समझ में आ जाए। एक काम करिए, उसे थाने बुलाइए, बात कर लेंगे। नहीं नहीं मैडम सर, हम बुलबुल पांडे को यहाँ नहीं बुला सकते हैं। पिछली बार वो आए थे तो हमने उनको लॉकअप में डाल दिया था, तो हमारे कहने पे तो वो दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। तो हम चलते हैं उनसे बात करने। हम जाएंगे, बात करेंगे, उन्होंने समझाएंगे। मीरा तुम साथ चलो हमारे, तुम उन्हें स्कैन करना, देखो उन्हें स्कैन करने के बाद तुम्हारा विजन बदलता है या वही रहता है। ओके मैडम सर।